वेलकम बैक टू सीरी डी मोबाइल। मैं हूँ सीरी। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने फ़ोन को रीसेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊं तब तक पहुँच पाए। सबसे पहले, अगर आप अपना फ़ोन को रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट करने से पहले कुछ ऐसा तरीका है कि जिससे कि आप अपना फ़ोन को फास्ट कर सकते हैं। तो जहाँ तक के हमें अनुभव है कि आपका फ़ोन स्लो चल रहा होगा, इसके चलते आप अपना फ़ोन को रीसेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रीसेट करने से पहले कुछ ऑप्शन होता है जिससे कि आपका फ़ोन करीब 50% फास्ट हो सकता है। जैसे कि आप रीसेट करते हैं तो उस समय डेटा जाने का आपको टेंशन रहता है कि शायद मेरे फ़ोन का कॉन्टैक्ट, फ़ोटो, वीडियो ये सब हट जाए। तो इससे पहले कि अगर रीसेट किए बगैर आपका फ़ोन अगर फास्ट हो जाए, इसके लिए आपको सिंपली मैं आपको बताऊंगा कुछ ऑप्शन जिससे कि आप अपने फ़ोन को कुछ हद तक के फास्ट कर सकते हैं। कुछ हद तक नहीं, 80% तक मैं दावा कर सकता हूँ। जैसा कि अगर आप फ़ोन नए लिए हैं, उस समय से कैश डाटा डिलीट नहीं किए हैं, तो आपको कैश डाटा डिलीट करना है फर्स्ट। सेकेंड, आपके फ़ोन में कुछ जैसे कि व्हाट्सअप, वीडियो, फ़ोटो, ये सब जो बिना मतलब का होता है, जिससे कि कोई आपका काम में, कोई यूज में नहीं है, कोई फ़ोटो वीडियो, तो सब वीडियो डिलीट करें। और सबसे पहले मैं कैश डाटा की बात करता हूँ। वहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन को कैश डाटा क्लियर नहीं किए हैं और अगर आपका फ़ोन स्लो चल रहा है, तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जब स्टोरेज का ऑप्शन जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको कैश डाटा का एक ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लियर नाउ का एक ऑप्शन आएगा। वहाँ क्लिक करते हैं तो आपको कम से कम करीब, आप अगर अपने फ़ोन को क्लियर नहीं किए हैं कैश डाटा, तो वहाँ लगभग आपका 2-3 GB आपका फ़ोन का जो इंटरनल मेमोरी होगा वो खाली हो जाएगा। तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा वीडियो के अंत में, इसके लिए वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा।